बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो आप लोगों का रिजल्ट है वो प्रैक्टिकल्स की जो कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो आप लोगों को प्रैक्टिकल्स के मार्क्स थे वो 50% तमाम स्टूडेंट्स को देना थे, और दूसरा ये मसाइल उनको दरपेश आ रहे थे कि जो जिनके थ्योरी का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा उनको जो है वो प्रैक्टिकल के मार्क्स भी ज़्यादा दिए जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बोर्ड वालों को मार्क्स देने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों का जो रिज़ल्ट है सेकेंड ईयर का वो 17 को आना था, जो उनके नोटिफिकेशन भी जारी हुए, जो आप लोगों का रिज़ल्ट है मैट्रिक वालों का 14 को और इंटरमीडिएट वालों का 17 को आना था। तो ये दोनों रिज़ल्ट कैंसिल आउट कर दिए गए हैं। आप लोग अपने कल के रिज़ल्ट के लिए अपने ये माइंड में बना के मत बैठें जो आपका रिज़ल्ट है वो कल आ जाएगा। कल जो आप लोगों का रिज़ल्ट है वो नहीं आएगा इंटरमीडिएट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ऑफिशियली तौर पर वो नोटिफिकेशन भी जारी करके आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों का जो आज का रिज़ल्ट है वो कैंसिल आउट कर दिया गया है। और दूसरी बात मैं आपको बता चलूँ, जो आप लोगों के रिजल्ट की अनाउंसमेंट है वो 30 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक आप लोगों का रिजल्ट किसी भी दिन अनाउंस किया जा सकता है। ये आप लोग ऑफिशियल बोर्ड की वेबसाइट्स पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, या किसी भी आप उनकी ऑफिशियल जो किसी भी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस चीज़ को अपने कन्फर्म कर सकते हैं कि जो आप लोगों का रिजल्ट है वो 30 से लेकर 7 अक्टूबर तक आप लोगों का रिजल्ट किसी भी दिन आ जाएगा। तो आप किसी भी फेक न्यूज़ पर या रूमर्स पर यकीन मत करें, अपने माइंड में ये क्लियरिटी कर लें कि जो 30 से लेकर 7 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और कंप्यूटराइज जो कंप्यूटर में फीडिंग नहीं हुई प्रैक्टिकल्स की नंबर्स की, इसकी वजह से आप लोगों का जो रिजल्ट है वो डिले करना पड़ रहा है बोर्ड को। तो इंशाल्लाह मजीद कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती हैं वो हम आपकी खिदमत में जरूर पेश करेंगे। आप लोगों से बहरहाल गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप प्यारे दोस्तों को, आप प्यारे भाइयों, आप प्यारे बहनों को मिलती रहे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।